एक रिसर्च के हिसाब से लड़कियों को और कुछ लोगों को बुरे लड़के काफी अट्रैक्ट करते हैं, पर यह किस वे में सही है, एक्चुअल में इसका सही मतलब क्या है, आज हम इस बारे में बात करेंगे। तो भाई, बैड बॉय का मतलब कोई जंगली खतरनाक नहीं है। यहाँ उनके नेचर को एक्सप्लेन करने की बात की जाती है, यानी एक डरा हुआ सहमा हुआ लड़का किसी भरे हुए रूम में बैठा है और वहां कुछ लोग आए और सामने से बैठकर उस रूम में बैठे सभी लोगों से क्वेश्चंस करने लगे, यानी इंटरव्यू वगैरह करने लगे। तो जो डरा और सहमा लड़का है वो जल्दी से आंसर नहीं कर पाएगा, और बल्कि उसे अगर सब कुछ आता भी होगा तो भी वो उनके पूछते ही और इतने सारे लोगों के होने से इतना प्रेशर में आ जाएगा कि या तो वहां से भाग जाएगा या फिर बस चुपचाप खड़ा रहेगा। अब ये चीज एक तो इंटरव्यू लेने वालों पर और दूसरा वहां बैठे लोगों पर उसका ऐसा इंप्रेशन डालेगी जैसे उसे कुछ नहीं आता। यानी भले ही वो इंटेलिजेंट हो, भले ही उसका नेचर बहुत प्यारा हो, पर ये चीज सभी लोगों को नजर नहीं आएगी, क्योंकि उन्हें तो यही दिखेगा कि एक लड़का था, उससे किसी ने सवाल किया तो उसकी बोलती बंद हो गई, उसे तो कुछ आता ही नहीं था। पर सोचो, इसी रूम में एक ऐसा बंदा बैठा है जिसे आता कुछ नहीं है पर कॉन्फिडेंट है। इंटरव्यू करने वालों ने उससे सवाल किया तो उसने गलत जवाब दिए और फिर उसकी जॉब वहां पर नहीं लगी, पर उसके बावजूद स्माइल करके बोलता है कि कोई बात नहीं, कहीं और ट्राई कर लूंगा, और ये बोलकर वहां से निकल गया। अब ये चीज लोगों पर कम से कम इतना इम्पैक्ट डालेगी कि साला यार, कॉन्फिडेंस तो इसी के जैसा लेना है, कम से कम थोड़ी बहुत तो हिम्मत बनी रहेगी। अब भाई सच बताऊं तो पीछा करना या किसी को स्टॉक करना लड़कियों को भी उतना ही पसंद होता है जितना लड़कों को। बस बात यहां आती है कि आप किसी के नेचर को किस हद तक अट्रैक्ट कर सकते हो। अब ये जो बैड बॉय वाली पर्सनैलिटी होती है वो ऐसी नहीं होती कि किसी लड़की ने उनको मैसेज किया तो वो इतने ज्यादा पिंगल गए कि खुद ही उन्हें अप्रोच किए जा रहे हैं। एक लड़की ने बस सुबह गुड मॉर्निंग का मैसेज किया और फिर पूरा दिन फोन ही चेक किए जा रहे हैं कि कहीं दोबारा मैसेज तो नहीं आया, कहीं उसने कुछ बोला तो नहीं, अरे मेरा नेट तो ठीक से चल रहा है ना। अब ये चीज उस लड़की को आपकी तरफ अट्रैक्ट नहीं करती, बल्कि आपको उसकी तरफ ज्यादा झुका देती है। मगर बैड बॉय वाली जो पर्सनैलिटी होती है उसके अंदर ऐसा नहीं है, वो एक तरह से सामने वाले को खुला छोड़ देते हैं कि तुम्हारी मर्जी है, तुम पहले सोच लो कि तुम्हें साथ में रहना है या नहीं रहना। यानी उसे मौका दे रहे हैं कि मैं खुद से तुम्हें कुछ नहीं बताने वाला, बल्कि तुम आओ और मुझको जानो। अगर तुम्हें कुछ जानना है तो खुद से पूछो, मैं तुम्हें कुछ ऐसा नहीं बताने वाला जिससे तुम्हें ये लगे कि अब ये मुझे अपनी बातें बता रहा है। ये सब चीजें बैड बॉय वाली पर्सनैलिटी में नहीं होती। और फिर कई लड़कों को और लड़कियों को भी ये चीज पसंद आती है, यानी एक तरह से मिस्ट्री क्रिएट कर देते हैं। जैसे लड़कियां कभी खुद से जल्दी से कुछ नहीं बताती, शायद इसीलिए लड़के उनको ज्यादा अप्रोच करते हैं। क्यों? क्योंकि वो अभी इनसे दूर है, इन्हें पता है कि हमें एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे। ऐसी एक बैड बॉय वाली पर्सनैलिटी होती है जहां लड़कियों को कई बार एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं और ये चीज उन्हें बहुत बार पसंद भी आती है। हाँ, ये भी सच है कि वो बहुत बार परेशान हो जाती है, मगर उनका माइंड एक तरह से पजल को सोल्व करने के लिए उनको फोर्स करता रहता है। अब जैसे मैंने बताया कि बैड बॉय वर्ड किसी डरावने या खूंखार इंसान को डिस्क्राइब नहीं करता, बल्कि बैड बॉय से यहां पर मतलब है कॉन्फिडेंट, ब्रेव, लीडर और फैसले पर बने रहने वाला इंसान। अब आप देखोगे जैसे स्कूल में कम पढ़ने वाले बच्चे होते हैं जो हद से ज्यादा शैतानी करते हैं, वो भी ऐसी ही किसी कैटेगरी में शामिल रहते हैं। वो क्लास में पंखे मोड़ देते हैं और वो भी बेकार में, यानी गलत कर रहे हैं पर कॉन्फिडेंस के साथ। टीचर से मस्ती मजाक करने लगते हैं और वो भी बिना कुछ सोचे। यानी मैं ये नहीं कहता कि आपको बैड बॉय की कैटेगरी में शामिल होना चाहिए कि किसी को भी उल्टा बोल दिया, लड़की छेड़ने लगे, शराब वगैरह पीने लगे और फिर ये सोच रहे हो कि आपकी पर्सनैलिटी बहुत कूल है। ये तो सब बकवास बातें हैं, इसको अपने दिल दिमाग से निकाल दो। असल बात है आपका कॉन्फिडेंस, आपकी बहादुरी, आपकी लीडरशिप और आपका अपनी बात पर बने रहने वाला एटीट्यूड। पर अगर आप देखोगे तो ये सभी चीजें किसी भी नॉर्मल इंसान में नहीं होती। हर इंसान अपनी इज्जत को साइड में रखकर किसी और चीज में इन्वॉल्व होने की कोशिश करता रहता है। एक शख्स जो आपके साथ रहना भी नहीं चाहता, उसे ही जबरदस्ती मैसेजेस और कॉल्स करना, जॉब पर सारा काम करने के बाद भी कोई क्रेडिट नहीं मिलना और उसके लिए आवाज भी नहीं उठाना, कॉन्फिडेंस ना होने की वजह से किसी से अपनी बात कह ही नहीं पाते, ये सभी चीज किसी को भी अपने अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा परेशान कर सकती है। इसलिए आपको कभी कभी ऐसी क्वालिटी अपनानी पड़ती है जो आपके लिए सही है, जो बैड बॉय कैटेगरी में से निकलती है, लेकिन बैड बॉय का वो रूप जो किसी को कभी भी पसंद आ ही नहीं सकता, उसे ऑब्जर्व नहीं करती, बल्कि उसे छोड़कर आपके नेचर को सही डायरेक्शन में ले जाने का काम करती है। अब लोगों को और लड़कियों को बैड बॉयज की जो चीज अपनी तरफ खींचती है वो है उनका रवैया। यानी वो छुपकर किसी कोने में बैठे रहने वाली कैटेगरी के लोग नहीं होते, बल्कि वो ओपनली अपनी बात कहने वाले लड़के होते हैं। जैसे किसी ऑफिस में बहुत सारे लोग हैं और कोई बॉस मीटिंग कर रहा है, अपनी बात बोल रहा है, तो उसी टाइम कोई लड़का ऐसा कुछ बोल देगा जिससे सभी हंस पड़ेंगे और यहां तक कि वो बॉस भी हंस पड़ेगा। तो यहाँ उसकी बात और वो लड़का सबकी नजर में चढ़ जाएगा और ये चीज लोगों को उसे देखने पर मजबूर करेगी। फिर सबके मन में ऐसा ही रहेगा कि यार अब ये जरूर कुछ बोलेगा, या ये जरूर अभी कुछ बोलेगा और सब हंसेंगे।
और फिर किसी दिन अगर वो छुट्टी कर लेता है, लेकिन ऑफिस में उसी दिन दोबारा मीटिंग हो रही है, तो कहीं ना कहीं कुछ लोग उसे उस दिन मिस करेंगे कि यार वो होता ना तो मजा आ जाता। अब ये क्या हुआ, उसका इंप्रेशन लोगों पर जम गया, लोग उसकी पर्सनैलिटी अब समझ रहे हैं और समझने के साथ साथ उसके साथ रहना पसंद कर रहे हैं। यहाँ सब उससे खुद से बात करने की कोशिश करेंगे, और सोचो अगर यही बंदा खुद से जाकर किसी से बात करने लगे तो उसे भी अपने आप पर थोड़ा अच्छा लगने लगेगा कि यार उसने मेरे से खुद आकर बात की है। अब है तो वो भी नॉर्मल इंसान ही, बस क्या है कि उसका नेचर अलग है, उसका खुद को प्रेजेंट करने का तरीका अलग है। और फिर कुछ बैड बॉयज ज्यादा हंसते नहीं, बल्कि वो बिना कुछ सोचे सीधा अपनी बात बोल देते हैं। जैसे आमतौर पर लोग हंस कर अपनी बातें बोलते हैं जिससे किसी को भी बुरा ना लगे, पर इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, ये तो सीधा मुंह पर बोल देते हैं चाहे किसी को सही लगे या गलत लगे। और बहुत सारी लड़कियों को कम स्माइल करने वाले लड़के ज्यादा पसंद आते हैं, यानी उनके फेस पर एक सीरियसनेस बनी रहती है जिससे सबको ऐसा लगता है कि भाई ये कुछ अलग ही सोच में रहता है, या फिर उससे कोई ज्यादा मजाक करना भी पसंद नहीं करता, सब उससे बस एक लिमिट में ही बात करना पसंद करते हैं। और फिर बात सेफ्टी की भी है, मतलब उनके साथ रहने से लोगों को ऐसा लगता है कि ये है ना ये संभाल लेगा सब कुछ, क्योंकि उनकी छवि ऐसी है कि वो अपने आप संभाल लेंगे चाहे कैसी भी सिचुएशन हो। उनकी समझदारी उनके बात करने से झलकती है, और फिर कभी लड़ाई वगैरह हो जाए तो बातों से ही पूरा मैटर संभाल लेते हैं। अब ऐसे में लड़कियां भी यही सोचती है कि बंदा डरता तो नहीं है, संभाल लेता ही चीजें, और ये क्वालिटी तो वाकई में होनी भी चाहिए। जहां आप लड़कर नहीं जीत सकते वहां दिमाग चलाओ और वो बोलने की कोशिश करो जो सामने वाला सुनना चाहता है, क्योंकि लड़ाई दिमाग से ही जीती जाती है चाहे कैसी भी हो। जैसे चाणक्य तलवार लेकर लड़ने नहीं गए थे, उन्होंने अपने दिमाग से पूरी गेम खेली थी और अपने हिसाब से उस गेम को चलाया और जीते भी। तो बहुत बार आपको बातों से चालाकी करनी आनी चाहिए। हाँ, इसका मतलब ये नहीं है कि आप हर किसी से झूठ बोलने लगो और सोचो कि आप चाणक्य बन गए, तो भाई ऐसा कुछ मत करना। और फिर हर लड़की को या हर किसी इंसान को ऐसा लगता है कि जिसके साथ वो है वो उन्हें अपने प्यार से बदल सकते हैं। एक ये वजह भी है कि कोई ऐसे किसी इंसान के साथ रहना पसंद करता है, क्योंकि कहीं ना कहीं हर किसी को अपने पसंद के लोग ही पसंद आते हैं। हम हर किसी में कुछ ऐसा ढूंढते हैं जो हमें बहुत अंदर तक टच कर सके, जिससे हमें यह फील हो जाए कि हाँ यही तो है जिसको मैं ढूंढ रहा था। और फिर जब कोई लड़की किसी लड़के का नेचर थोड़ा सा भी बदले तो कहीं ना कहीं उसे अपने ऊपर प्राउड फील होने लगता है, और कोई लड़का किसी लड़की को अपने लिए बदले या अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सके तो उसे बेटर फील होता है कि शुक्र है ये मेरे साथ में है। पर यार आप चाहे जितनी मर्जी कोशिश करो, रूडनेस, घमंडीपन और फालतू का बेपरवाह एटीट्यूड ये हमेशा हार जाएगा, क्योंकि अंत में हम सबको ऐसे ही कोई चाहिए होता है जो ठहरने वाला शख्स हो, यूं ही छोड़कर जाने वाला नहीं। तो जैसे मैंने बताया कि आप सिर्फ बैड बॉयज की जो क्वालिटी है जिनसे आप खुद को और ज्यादा मैच्योर बना सकते हो, खुद को प्राउड फील करवा सकते हो, वो क्वालिटी अपने अंदर डालो और आगे बढ़ते जाओ। लेकिन कभी भी उनके नेचर को अपने अंदर मत डालो, किसी के जैसा बनने की जरूरत नहीं है, बल्कि उसकी जो बेस्ट क्वालिटी है उसे अपने साथ रखो, जिससे आप वाकई में लाइफ में आगे बढ़ते रहोगे और हमेशा खुश रहोगे। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, आज की वीडियो से आपको कुछ नया कुछ अच्छा सीखने को मिला होगा। वीडियो में कोई भी बात आपको पसंद आई तो प्लीज लाइक करो और कमेंट्स में मुझे जरूर बताओ कि आपको ये बातें कैसी लगी। इसके साथ ही मेरे साथ इंस्टाग्राम पर अभी कनेक्ट हो, जो इंस्टाग्राम पर मैं रील्स, थॉट्स, कोट्स अपलोड करता रहता हूँ, जो मुझे यकीन है कि आपको जरूर पसंद आएंगे। इंस्टाग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, तो बस क्लिक करो और कनेक्ट हो जाओ। तो अभी के लिए बस इतना ही, मैं मिलूंगा आपसे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।